हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अन अकेडमी चैनल पर। और हमने जो कल का सेशन था उसमें फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेशों में से हिमालय वाला जो रीजन था उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम लोग जो है बाकी रीजन्स हैं वो उनके बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से है। तो देखो, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये मेरा कोड है जिसको आप यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी मिलेगा साथ में मेरा गाइडेंस भी है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप अपडेट्स वगैरह के लिए फॉलो कर सकते हैं। क्रेक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, यानी यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे आपको, जो कि किसी टाइम पे बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन में पढ़ाते थे। पूरी टीम है आपके पास और अलग अलग सब्जेक्ट्स के कई लोग हैं, तो आपके पास यहाँ ऑफलाइन से बेटर अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन के रूम में, और वो भी 1/10 चार्जेस के अंदर। टेस्ट, वीकली टेस्ट होते हैं, मेगा क्विज होती है। इसके अलावा जैसे आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो मैं पर्सनली आंसर राइटिंग सेशन, यानी हर संडे मैं टेस्ट लेता हूँ शाम को 8 बजे, हर संडे रिटर्न टेस्ट होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, यानी कोर्स कंप्लीशन होता है यहाँ पर एक बार शुरू हुआ तो। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि यदि आपने ठोलिया 10 कोड यूज़ करके एक बार एनरोलमेंट लिया है तो सिर्फ आप मेरी क्लासेस देख पाएंगे, ऐसा नहीं। आप श्योर रहिए कि आपको सारे एजुकेटर्स जितने हैं अकेडमी पर उन सब की क्लासेस मिलेंगी। ठोलिया 10 कोड के दो पर्पज़ है, एक तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और दूसरा है कि मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। इसके अलावा जो संडे को मैं टेस्ट रखता हूँ आंसर राइटिंग वगैरह ऑनलाइन के बच्चों को देख रहता है कि सर कैसे करते हो, तो ग्रुप बना रखा है मैंने, उसमें आप उसमें संडे को 8 बजे टेस्ट आपके पास पहुँच जाएगा, उसके बाद आप चेक लिख करके दे दोगे मेरे को, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं चेक करके आपको वापस दे दूंगा। तो ये सिस्टम रहता है, यूज़ ठोलिया 10 कोड। उसके बाद देखो, ये टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना है, प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना है। उसके बाद में रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और इसमें आपको चॉइस मिलेगी कि आप 1 ईयर के लिए चूज करना चाहते हैं या 2 ईयर के लिए। मैं कहूँगा कि 2 ईयर के लिए करिएगा क्योंकि इस एग्ज़ाम में लगभग इतना टाइम आराम से लगता है। यदि आप वन ईयर के लिए करते हैं तो चार्जेस है 7,000, बट यदि आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ठोलिया 10 तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा इस कोड को, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ डिस्काउंट के लिए नहीं है ये कोड, डिस्काउंट के साथ मेरा गाइडेंस है, आपकी आंसर राइटिंग है, उन सब चीज़ों के लिए। तो 10% डिस्काउंट के साथ ये 1 ईयर के लिए 6,300 में पड़ेगा। 24 मंथ्स के लिए यदि आप एनरोल करते हैं तो आपके पास चार्जेज है 8,400, आप 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें तो, और 7,560 में आप एनरोल कर पाएंगे 2 साल के लिए। नेक्स्ट मंथ से हम लोग जो है वो एथिक्स शुरू कर रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं बहुत जल्दी क्योंकि जितना चार्जेस लिया जा रहा है उतना आपका एथिक्स में ही यह है कि वसूल हो जाएगा। उसके अलावा जितने हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और आपको यदि देखना है कि एथिक्स वगैरह की क्लासेस किस टाइप में रहेगी, और वो तो यूट्यूब पे प्लस के अंदर और भी इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है मेरी, प्लेटो की है, अरस्तु की है, सेरेनिक्स और सिनिक की है, ये सारी चीज़ें, इनिशियल चीज़ें किस तरीके से डेवलप करी सुक्रात वगैरह के टाइम में, इन सब चीज़ों की क्लासेस यूट्यूब पे डेमो के रूप में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमने देख लिया था कि इंडिया की स्थिति एवं इस आकार क्या है। हमने देखा कि ये नॉर्थ ईस्ट जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत, ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि इसका अक्षांशीय विस्तार 8° 4' से 37° 6' तक है, और इसका देशांतरीय विस्तार 68° 7' से 97° 25' तक है। इसके बाद हमने देखा कि भारत के बीचों बीच 23.5° कर्क रेखा गुजरती है जो लगभग आठ राज्यों से पास होती है। इसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो देखो ये इस तरीके से, इधर आप उत्तर से दक्षिण भी विस्तार देखोगे तो भी लगभग 30° है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखोगे तो भी 30° है, लेकिन फिर भी लेंथ में डिफरेंस है 3214 और 2933, देयर इज अ डिफरेंस।
वो क्यों है आप देखिएगा, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल के बीच में भारत का विस्तार है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है बहुत अच्छे से। तो ये दिया हुआ है देखो, इतना हमारा एरिया है 32,32,87,263 किलोमीटर, ये हमारा वर्ल्ड के कंपैरिजन में एरिया है 2.4%, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 6 बड़े कौन से हैं ये आप मेरे कमेंट करके बताइएगा, लास्ट अपना जो सेशन था उसमें हुआ था। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मतलब गुजरात यानी पाकिस्तान से लग करके बांग्लादेश तक, ये इतनी सीमा है। इसके बाद हमारी तटीय सीमा, तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से लगती है वो लगभग इतनी है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की भी काउंट होती है। इसके बाद हमने देखा कि 22 डिग्री अक्षांश है उसके उत्तर में भारत है, वो काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है, और जैसे ही 22 डिग्री अक्षांश से नीचे जाते हो काफ़ी संकरा होता जाता है। उसके पश्चिम में अरब सागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये देख लिया था हम लोगों ने सर बहुत डिटेल से, 1 घंटे से ज़्यादा लगाया मैंने इनमें। देशांतर रेखा 82.5 डिग्री यहाँ से पास होती है भारत के बीच से, और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां बड़ा भारत है। जनसंख्या में हम दूसरे बड़े, जनसंख्या में हम दूसरे बड़े, तो इस तरीके से दिया हुआ है। अभी ये यहाँ पर पड़ोसी देशों के, पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया हुआ है, तो ये 28 राज्य हैं, ये NCERT से डाटा लिया इसलिए एग्जैक्ट वही लिख दिया, पर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सीमाएं किस किस की लगती है तो मैंने बताया, ऐसे याद करिएगा, BCPNMBA बचपन में MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस तरीके से आप इनकी बाउंड्री याद कर सकते हो। ये हमारे कुछ वायु मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं, जिनको हमने देखा था कि वर्ल्ड के साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसे होती है। पड़ोसी देश मैंने आपको बता ही दिए, 2 पड़ोसी देश हमारे और थे जो कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए, श्रीलंका और इधर मालदीव। यहाँ पर आपको म्यांमार की मन्नार की खाड़ी मिलेगी और पाक जल संधि मिलेगी, मन्नार की खाड़ी मिलेगी और पाक जल संधि मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये भौतिक स्वरूप, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, तो हमने देखा कि NCERT के अंदर 6 भागों में बंटा हुआ है। इसमें एक था हिमालय या उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय या पहाड़ी क्षेत्र, जिसको हमने बहुत डिटेल से हिमालय को कवर किया लास्ट क्लास में, तो देखिएगा वो कवर हो चुका है। आज हम लोग कवर करेंगे मैदानी भागों को, मैदान है, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को, इसके बाद हम कवर करने वाले तटीय प्रदेशों को, इसके बाद हम कवर करेंगे तटीय प्रदेशों, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे आपके पास में जो इसी बीच में हमें मैदान के साथ एक चीज़ कवर कर लेंगे, वो है मरुस्थलीय क्षेत्र, और इसके बाद अंत में हम करेंगे आइलैंड्स या द्वीपीय क्षेत्र, जो आइलैंड्स हैं उनको कवर करेंगे, द्वीपीय क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो हिमालय कवर हो चुका है, आज हम मैदान को कवर करने जा रहे हैं, मैदान को कवर करेंगे। तो देखो भारत में सभी प्रकार की विशेषताएं, पर्वत मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, मरुस्थल मिलेंगे, पठार मिलेंगे, द्वीप समूह यानी आइलैंड्स मिलेंगे, सभी प्रकार की विशेषता इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। देखो ये इस तरीके से विस्तार है भारत के भौतिक प्रदेशों का। ये हमारे पास में पर्वतीय प्रदेश है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हिमालय की है। इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा बांट सकते हो इस तरीके से, ऐसे। तो देखो ये आपके पास से उत्तरी मैदान हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पंजाब का मैदान। यहाँ पर आपके ये मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर ये मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, ये आपके पास पठारी प्रदेश हो जाएगा, ये क्षेत्र आपके पास मैदानी प्रदेश हो जाएगा, ये क्षेत्र आपके पास मैदानी हो जाएगा, और इसके बाद है भारत के द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये हो गया हमारे पास लक्षद्वीप, ये हमारे पास हो गए लक्षद्वीप। तो ये इतने क्षेत्र हैं जिनको हमें 1x1 पढ़ना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बने, किस तरीके से प्लेट्स थी,
किस तरीके से ये प्लेट नॉर्थ में गई और इस जगह पे टकराने के बाद में हिमालय का निर्माण हुआ, इसके बारे में सारी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में कवर करी है। तो प्लीज़ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा। अब आज हम आ जाते हैं मैदानी प्रदेशों में। देखो ये हमारे पास भौतिक प्रदेश है, हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग, उत्तरी मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार आज पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह इनके बारे में बात करते हैं। तो मैदानी प्रदेशों में आ जाते हैं। ये देखो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी थी, बहुत डिटेल से बताया मैंने आपको। उत्तरी मैदान, नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान। देखो ये जो उत्तरी मैदान है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारी, सॉरी सबसे पुराना क्षेत्र है हमारा। प्रायद्वीपीय पठार के बाद यानी जो पेनिनसुलर इंडिया वाला रीजन है, इस पेनिनसुलर इंडिया के बाद या प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो क्षेत्र बना है वो बना था हिमालय, और हिमालय के बाद में बना है नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान। नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल हिमालय से ज्यादा है, हिमालय से ज्यादा है। यदि आपसे एरिया के हिसाब से इन तीनों को कंपेयर कराएं तो सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखोगे तो फिर नॉर्थ प्लेन का है, और इस बात के जो भी हम पढ़ रहे हैं उनमें, और फिर हिमालय का है। इस तरीके से तो हम हिमालय कवर कर चुके हैं। ये लगभग 5 लाख है, ये लगभग 7 लाख है, ये लगभग 16 लाख है। तो हम अभी नॉर्थ प्लेन की बात कर रहे हैं। सर नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान का आखिर निर्माण कैसे हुआ है? जैसे हमने हिमालय का निर्माण समझा था उसी तरीके से सर नॉर्थ प्लेन का विकास कैसे हुआ? तो देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा बात। डायग्राम यूज करते हैं पहले प्लेट वाला, फिर बताता। देखो चला गया, देखो यहां पर ये देखो, आपको पता है कि ये जो इंडिया वाला ये भाग है, ये वाला ये हिस्सा, ये किसी टाइम पे यहां स्थित था, यहां पर ये बात मैंने कल आपको समझाई थी, ये इस हिस्से में था इंडिया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग है। अब ये इंडिया जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ है या टूवर्ड्स इक्वेटर शिफ्ट हुआ है। क्यों हुआ है सर? वेगनर के हिसाब से तो ग्रेविटी फोर्स और आपके पास बेयोन्स फोर्स के कारण हुआ है, लेकिन ये सही नहीं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण से, संवन धाराओं के कारण से, या कन्वेक्शन जो आपके पास करंट है या कन्वेक्शन वेव्स है उनके कारण से चला है। उत्तर की तरफ जब शिफ्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि ये इसका मतलब है, देखो इतना ही हिस्सा था, ये जो साउथ में आपको दिख रहा है ना सिर्फ इतना ही हिस्सा था, ये जो साउथ में दिख रहा है आपको केवल वो हिस्सा, देखो जैसे ये दिख रहा है ना इतना ही हिस्सा जो है ये हुआ करता था, इसके आगे वाला बाद में यहां पर आगे आने के बाद बना है। जब ये नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा था तो मैंने कल भी बताया था कि इस जगह पे हॉट स्पॉट थे। हॉट स्पॉट का क्या मतलब है सर? जहां से मेगमा निकलता हो, जहां से मेगमा निकलता है, मेगमा का उद्गार एक तरीके से समझे, तो यहां से लगातार मेगमा निकला सतह के ऊपर, और ये प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है इसका निर्माण या इसकी ऊपरी जो सतह है वो मेगमा से बन गई। सर मेगमा से कैसे बन गई? क्योंकि समुद्री क्षेत्र में यदि उद्गार हो रहा है तो बसाल्ट प्रकार की चट्टानों का होगा, समुद्री क्षेत्र में यदि उद्गार हो रहा है तो बसाल्ट प्रकार की चट्टानों का होगा, और बसाल्ट चट्टानों से ये बन गया। तो और सबसे इतना हिस्सा था तो सबसे पुराना है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है।
अब ये जब उत्तर की तरफ खिसक रहा है इस तरीके से, तो इधर देखो ये यूरेशियन प्लेट है, ये इस तरफ जा रही है और ये इंडिया वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है, तो दोनों टकराएंगे, कोलाइड होंगे। और जब दोनों टकराएंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगी। ये आपके पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है, ये आपके पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे जाएगी किसके, यूरेशियन के। अब क्यों जाएगी ये मैंने कल बताया था आपको कि ये महासागरीय भाग है ज्यादा इसका, इसलिए इसका आगे वाला हिस्सा महाद्वीपीय है लेकिन इसका काफी हिस्सा महासागरीय है। अब ये टकराएगी तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरीके से नीचे जाएगी और यूरेशियन प्लेट इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये से टकराएगी तो यहां पर फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यहां पर 33 सागर था और ये हिमालय बन गया। हिमालय बनने के साथ साथ, हिमालय बनने के साथ साथ यहां पर देखो आपको यहां पर एक गर्त बन गया है, यहां पर एक ट्रेंच डेवलप हो गया, यहां पर एक ट्रेंच डेवलप हो गया है, यानी यहां पर एक गर्त का निर्माण हो गया है, ट्रेंच बन गया है। जब दो प्लेटें इस तरीके से टकराती है एक प्लेट नीचे चली जाती है, इस तरीके से एक प्लेट ऐसे नीचे चली जाती है तो यहां पर एक ट्रेंच या गर्त का निर्माण हो जाता है। उस गर्त के अंदर या ट्रेंच के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना अवसाद लाके जमा करती हैं। बहुत सारी नदियों का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है और वो नदियां यहां पर ला करके अवसादों का या सेडिमेंट्स का जमा करेगी, वो यहां ला करके सेडिमेंट्स या अवसाद जमा करेगी। और जैसे ये सेडिमेंट्स या अवसाद जमा हो जाएंगे इस रीजन के अंदर, वैसे यहां पर मैदानी भाग का निर्माण हो जाएगा। तो भारत का मैदानी प्रदेश किस तरीके से निर्मित है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ, तो याद रखना है कि अवसादों से हुआ है। तो और लगभग आपको इस मैदान की गहराई लगभग 2 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। अब देखो ये तो देख लिया हम लोग मैदानी प्रदेशों में आ जाओ सीधे। क्या कह रहे थे को मैदानी प्रदेशों के बारे में, ये देखो पूरा मैदानी प्रदेश है, ये जो नदियां दिखाई हुई है ना आपको, यहां से शुरू हो जाता है आपका मैदानी प्रदेश। ये देखो ये यहां पर 5 नदियां दिख रही होगी आपको, सिंधु की शायद, ये पंजाब का मैदान है, ये पंजाब का मैदान है, इसका अब काफी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। देखो आप देखोगे तो ये पंजाब का मैदान है। इसके बाद आपको यहां गंगा नदी दिख जाएगी और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो क्षेत्र है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, ये क्षेत्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं इसको, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र हो गया। तो पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये उत्तरी मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ये मैदान लगभग 7 लाख 7 लाख 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अब देखो यदि इस मैदान को देखोगे आप तो आपको समझ आएगा कि ये
वैसे देखो नॉर्मली हम लोग इस मैदान का ही भाग मान लेते हैं, इस मरुस्थल को, अरावली के पश्चिम वाले भाग को भी, लेकिन इसमें अलग दिया है तो ठीक है। देखो यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है इस जगह पे, तो इससे यहां से ऐसे थोड़ी सी मैंने ऐसे बना दी, ऐसे यहां से अरावली है, इस अरावली के इस साइड में मैदान हो गया। इसके बाद यहां पर आपको कुछ पठार दिखेंगे, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग है। इनके उत्तर में या नॉर्थ में जो है ये इधर मैदान हो गया, और इधर इसके हिमालय, इस साइड में इसके हिमालय, तो इधर ये हिमालय से गिरा हुआ है, इधर ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इधर आपके पास अरावली आ गया, यहां पर आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार मिल गए, इधर ये आपको बांग्लादेश हो ही गया, इधर ये आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र हो ही गया। तो ये पूरा क्षेत्र आपके पास गंगा का मैदान, और ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये क्षेत्र पंजाब का मैदान कहलाएगा, और यही मैदानी प्रदेश है। समझ, ध्यान रखो, विश्व का सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है ये। तो ये देखो उत्तरी मैदान में क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से विकसित हुआ है। सिंधु नदी, अभी हमने देखा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन है, उनसे हुआ है। कौन कौन सी है सर सहायक नदियां? बहुत सारी है। कौन सी है सर? झेलम है, और सर, और चेनाब है, और रावी, और व्यास है, और सतलज है। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है ये। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसके बाद आता है गंगा का मैदान, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, जैसे सर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, गंगा की सहायक हो गई यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, इस तरह की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है भाई ये। इसके बाद सर, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, मानस, धानश्री, कपिली, ऐसे लिख लो यदि आपको समझ, कपिली, सुबनश्री, दिबांग, लोहित, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं, दिमांग, लोहित, मानस, धानश्री, सुबनश्री, ये सारी नदियां आपके पास याद रह जाएगा ना, तो इन सारी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। याद नहीं रहेगा, अभी समझाऊंगा अगला चैप्टर नदियों के बारे में, क्योंकि ये नदियों के द्वारा, इतनी सारी नदियों के द्वारा, और भी नदियां इनकी शायद, इतनी सारी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है, जो लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है, यानी कई साल लगे हिमालय बनने के बाद, कंटिन्यूअसली इसके अंदर अवसाद या सेडिमेंट्स जमा होते रहे, कंटिन्यूअसली इसके अंदर सेडिमेंट्स जमा होते रहे, तो उससे इसका निर्माण हुआ। ये एक उपजाऊ मैदान है, बिल्कुल है, फर्टाइल है, उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ इसलिए कि यहां पर जलोढ़ मिट्टी है, यहां पर ये एक तरीके से उपयुक्त है किसके लिए, कृषि कार्य के लिए, ये मैदान कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, अच्छा माना जाता है। यदि कृषि के लिए उपयुक्त है
तो यहां पर लोग ज्यादा रहना भी पसंद करेंगे। तो इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी भी सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि उत्तरी मैदान है। पहले ही बता चुका मैं कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय का हमने देखा कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। प्रायद्वीपीय भारत का 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है और मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, यानी सब जगह एक जैसा नहीं है। और ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है भाई, अब देखो इसका दिया है क्या, मैप नहीं दिया कैसे, पठार दे दिया, ठीक कोई बात नहीं। देखो इसमें देख लेते हैं, एक बार हटा रहा हूं मैं इसको। देखो ये मैदानी प्रदेश किस तरीके से है, देखो उत्तरी मैदान जो है नॉर्थ प्लेन है सर, कहां तक फैला हुआ है देखो, यहां से शुरू होकर के ये मैदान यहां तक है। इसकी लंबाई की बात करोगे तो लगभग 2400 किलोमीटर है, काफी लंबा मैदान है, 2400 किलोमीटर लंबा। इसकी चौड़ाई की बात करोगे तो एक जैसी नहीं दिखेगी। कैसे सर, सिर्फ गंगा के मैदान को ही देखो आप, तो देखो या यहां पर देखोगे पंजाब का मैदान है, यहां पर ये मान लेते हैं कि इस जगह पे इसके इधर पंजाब का मैदान है इस तरीके से, तो देखो पंजाब का मैदान है। इसके बाद यहां से आप आओगे तो ये यहां तक है, चौड़ा है, फिर देखो यहां संकरा हो जाएगा, फिर यहां पर आगे चौड़ा हो जाएगा। और देखो यहां से गंगा यमुना नदियां यहां इधर आ रही है, जबकि कुछ नदियां और भी है जो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा के अंदर या इस डायरेक्शन में जा रही है, जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है कुछ नदियां। तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई ऊंचाई है, यानी कोई ऊंचावत संबंधी विशेषता है, और ये जल विभाजन का काम कर रही है, ये जल विभाजन का काम कर रही है, वाटर डिवाइड का काम कर रही है या जल विभाजन का काम कर रही है, इसके इधर जा रही है। देखो तो ये जो हरियाणा वाला रीजन है वो क्षेत्र वाटर डिवाइड का काम करता है। और यहां पर देखो इसके पश्चिम में मैदान चौड़ा है, थोड़ा सा संकरा, मतलब इस तरीके से आप देखोगे तो चौड़ा है, उससे भी ज्यादा चौड़ा है इस साइड में, लेकिन आगे चल करके ये संकरा हो जाएगा। तो कहीं पर ये चौड़ाई ज्यादा दिखेगी, कहीं पर चौड़ाई कम दिखेगी। इसके अलावा जैसे आप यहां से इधर जाओगे तो देखो पहले ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ढाल इस साइड में है, तभी तो नदियां इधर आ रही है, गंगा यमुना ये नदियां यहां इधर आ रही है। तो इसका यहां से जो ढाल है इस क्षेत्र से इस साइड में, लेकिन उस क्षेत्र का ढाल देखोगे ना, यदि उस क्षेत्र का ढाल देखोगे इस वाले क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, तो इस साइड में ध्यान रखना है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है, पहले ऊंचाई बढ़ती है फिर ऊंचाई कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। पश्चिम में जाएंगे तो भी यही बोलेंगे, पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है ऊंचाई। तो इस तरीके से ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और कहीं पर 150 से 300 350 किलोमीटर चौड़ा है कहीं पर, लेकिन यहां पर 240 दिया है, लेकिन यहां पर कहीं पर आपको 150 मीटर भी चौड़ा मिलेगा मैदान। इस तरीके से ये मैदानी भाग है, याद रह जाएगा ना बात, तो ये बात है। देखो यहां पर समृद्ध मृदा का आवरण मिलेगा, उसका मुख्य कारण ये है कि हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा
हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। नदियों के कारण से यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है। यहाँ पर जलवायु जो क्लाइमेट है वो भी अनुकूल है, इसलिए ये क्षेत्र जो है ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये उत्तरी मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मैदान है। उत्तरी भागों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी रहती है, करती है, यानी बहुत सारा डिपोजिशन करती है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से निकल करके आती है। हिमालय क्षेत्र से आएगी तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आएगी, या अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आएगी। ये नदियाँ गंगा हो गई, यमुना हो गई, बहुत सारी नदियाँ, और ला करके यहाँ जमा करेगी। और ये जलोढ़ मिट्टी है जो कि काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। और नदी जब इनिशियल स्टेज में होती है तो बहुत ज़्यादा कटाव करती है। जब नदी आरंभिक अवस्था में होती है तो बहुत कटाव करती है, लेकिन जैसे जैसे ढाल कम होता जाता है कटाव कम करेगी और जमाव ज़्यादा करेगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी कटाव ज़्यादा करेगी, जैसे ही नदी मैदानी प्रदेशों में आएगी नदी जमाव करना शुरू कर देगी, डिपोजिशन ज़्यादा करेगी नदी। और जब नदी जमाव ज़्यादा करेगी या डिपोजिशन ज़्यादा करेगी तो वहाँ पर एक मैदानी भाग का निर्माण होगा जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान कहलाएगा, जो काफ़ी फर्टाइल या उपजाऊ मैदान होगा। ध्यान रखना, नदी के निचले भागों में चाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का भी निर्माण करती है, जैसे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप अभी बताऊंगा आपको, ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा। तो ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण से, यानी सेडिमेंट्स वगैरह एकत्रित हो जाने के कारण से बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिकाएं कहती हैं। आखिरी भाग में बहुत सारी वितरिकाओं में बंटेगी और डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। जैसे कोई नदी यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकली, इसके बाद यहाँ पर तेज ढलान होगा, इस तेज ढलान के कारण से नदी कटाव बहुत ज़्यादा करेगी, नदी कटाव बहुत ज़्यादा करेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाव करेगी। लेकिन जैसे ही आगे आएगी मैदानी भागों में यहाँ पर डिपोजिशन करेगी या मैदानी भागों में जमाव ज़्यादा करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कटाव ज़्यादा करेगी, मैदानी क्षेत्रों में जमाव ज़्यादा करेगी। जब ये नदी आगे बढ़ती है इस तरीके से तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, लेकिन उसमें गिरने से पहले नदी इस तरीके से बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इस तरीके से वितरिकाओं में गिरने से पहले, और फिर ये सेडिमेंट्स वगैरह जमा करती है, बहुत सारे सेडिमेंट जमा करती है, और इसके कारण से इसके मुहाने पर जहाँ ये जाके गिर रही हो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये डेल्टा निर्माण की क्रिया इस प्रकार से होती है, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, तीन उपवर्गों में, जिसमें पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है ये पंजाब का मैदान कहलाएगा, ठीक है, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल है, और इसका बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, मैंने बताया दिया था, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती है। ये नदियां मैंने आपको दिखाई थी, यदि याद है आपको थोड़ा भी तो देखो, देखो ये नदियां यहां पर देखो, ये देखो सिंधु नदी, सिंधु नदी ये यहां से निकल रही है। ये यहां कहां है बताऊंगा, चीन में, तिब्बत में, अभी जरूरत नहीं है। ये सिंधु नदी यहां से निकल के ऐसे जा रही है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदान पंजाब का मैदान कहलाएगा, पंजाब का मैदान कहलाएगा, समझ रहे हैं बात। यहां पर भी कुछ नदियां दिखेगी आपको, कौन सी नदियां सर, ये भी बता रहा।
ये रही मुख्य नदी गंगा, ये मुख्य नदी गंगा। इसकी सहायक नदियां देखो, जैसे इधर से यमुना, यमुना की सहायक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, लेकिन गंगा की सहायक शारदा, रामगंगा भी है, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, इतनी सारी नदियां सहायक नदियां हैं और इनसे निर्मित मैदान गंगा का मैदान कहलाएगा। इधर आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। मैंने बताया था दिबांग, लोहित, धानसरी, सुबनसरी, मानस, कपिली, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाएगा। बात सही समझ में आ गई होगी। देखो यहां बताया था मैंने आपको कि सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान पंजाब का मैदान होगा, गंगा की सहायक नदियां ये रही, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ये रही। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए अपने को लाइन टू लाइन जाना पड़ रहा, नहीं तो चीजें वैसे भी समझाई जा सकती। मैदान के इस भाग में दुआबों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत सारे दुआब बनेंगे, बहुत सारे दुआब बनते हैं। दुआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का आब, जैसे एक नदी ये जा रही है, दूसरी नदी ऐसे आ रही है, इन दोनों नदियों के बीच एक मैदान बन जाएगा। दो नदियों के बीच मैदान है इसलिए दो आब, दो नदियों के बीच का मैदान, ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, इसीलिए दो नदियों के बीच में वाटर डिवाइड टाइप का काम करेगा। तो दो आब, दो नदियों के बीच का भाग, ये जो क्षेत्र होता है काफी उपजाऊ होता है और ये बांगर प्रकार की मिट्टी से बनता है, बांगर प्रदेश भी कह सकते हैं, या यहाँ पर बांगर मिट्टी मिलेगी आपको। क्या होती है सर, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये जैसे आपके पास में इस क्षेत्र में छास दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, सिंध सागर दोआब, इस तरीके से बहुत सारे दोआब है। सबसे ऊपर सिंध द्वार, फिर छास दोआब, फिर आपके पास में सिंध सागर दोआब, छास दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, इस तरीके से ऊपर से नीचे आपको दोआब मिलेंगे। या नाम नहीं दिया इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, सॉरी एनसीईआरटी में, इसलिए मैं नाम ले नहीं रहा। आकृति विभिन्नता के आधार पर इस मैदान को चार भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी मैदान को नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। चार भागों में बांट सकते हैं इसे आकृति के आधार पर। मैं बताता हूं कौन कौन सा, देखो कौन कौन सा सर, अभी बताते देखो। ऐसे ही समझ लो, देखो यहां पर इस मैप में समझो कि ये यहां पर मान लेते हैं कि हिमालय है, मानना क्या है, हिमालय है ही, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है। इस हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलेगी। हम मान लेते हैं कि गंगा यहां से निकली, महाहिमालय से निकलती है, गंगा निकलेगी और गंगा के साथ उसकी सहायक नदियां भी निकलेगी। मान लेते हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र में ही प्रवाहित हो रही है। इनिशियली नदी पर्वतीय क्षेत्र में ही प्रवाहित हो रही है। यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो इसका ढाल अधिक होगा, ढाल अधिक होगा मतलब स्लोप अधिक होगा, इसका ढाल या स्लोप अधिक होगा, ठीक है ना। और जब इसका ढाल या स्लोप अधिक होगा तो नदी की गति अधिक होगी, स्पीड ज्यादा होगी, और यदि नदी की स्पीड अधिक होगी तो नदी अपरदन ज्यादा करेगी, नदी अपरदन यानी इरोजन ज्यादा करेगी।
किस प्रकार का अपर्दन ज्यादा करेगी सर? ऊर्ध्वाधर प्रकार का, ऊर्ध्वाधर प्रकार का ज्यादा करेगी, यानी नदी वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगी, नदी वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगी या ऊर्ध्वाधर प्रकार का अपर्दन नदी ज्यादा करेगी। नदी वर्टिकली ज्यादा काटेगी, नदी वर्टिकली ज्यादा काटेगी आप, ठीक है। तो इसे पर्वतीय क्षेत्र में नदी ने बहुत सारा काटा और बहुत सारे अवसाद, अत्यधिक अवसाद अपने साथ लेकर के आई, सेडिमेंट्स अत्यधिक अवसाद अपने साथ लेकर के आएगी, अत्यधिक अवसाद अपने साथ लेकर के आएगी, सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के आएगी, अत्यधिक अवसाद साथ लाएगी, साथ लेकर आएगी, बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लाएगी, अत्यधिक अवसाद साथ लेकर आएगी। ये बहुत सारे अवसाद लेके आ रही, लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगी यहां पर, इन क्षेत्रों के अंदर ढलान कम होगा, एक नदी नहीं बहुत सारी नदियां से निकलेगी, सभी के साथ ऐसा होगा, हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकल के आएगी ऐसे। ये इनिशियली ढाल ज्यादा है तो काफी ज्यादा इरोड करेगी, और जो ये अवसाद लेके आती है इनके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स यानी गोलास्म भी होंगे, बहुत बड़े बड़े गोल्ड बोल्डर्स यानी गोलास्म यानी बड़े बड़े चट्टान होंगे, बहुत बड़े 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 गोलास्म भी होंगे। इन बोल्डर के साथ साथ इनमें बजरी भी होगी यानी ग्रेवल भी होगी, थोड़ा सा महीन कण हो जाएंगे उससे, इसके बाद में सेंड यानी मिट्टी भी हो जाएगी, रेत भी हो जाएगी, इस तरीके से सिल्ट भी होगी, क्ले भी होगी, हर तरह के होंगे। बड़े कण भी होंगे चट्टानों के और छोटे कण भी होंगे, यानी बड़े कण भी होंगे और छोटे कण भी होंगे, दोनों प्रकार की विशेषताएं आपको तीनों चारों प्रकार की देखने को मिल जाएगी। अब ये नदियां जब अवसाद लेके आई है, नदी का मकसद है कि इन अवसादों को मैं ले जाके समुद्र में गिरा दूं, नदी का मकसद है कि इन सारे सेडिमेंट्स या अवसादों को मैं समुद्र में ले जाके गिराऊं या ओशियन रीजन में ले जाऊं, जहां भी ले जाए जहां जाएगी, ये मकसद होता है, तो कोशिश करती है लेके जाऊं। लेकिन जैसे यहां ढलान कम होता है, जैसे यहां पर स्लोप कम हुआ, जैसे यहां ढलान या स्लोप कम हुआ, वैसे ही जैसे यहां स्लोप या ढलान कम होगा, वैसे ही नदी के पास कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी नदी के पास अब अवसादों को ढोने की क्षमता कम हो जाएगी, नदी अब उतना अवसाद नहीं उठा पाएंगे, नदी के पास सेडिमेंट्स को कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी, बहुत कम सेडिमेंट्स नदी कैरी कर पाएगी। तो नदी जब सेडिमेंट्स ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले भारी चीजों को रख देते हैं, जब हम कुछ ले जा रहे होते हैं, जब हमसे नहीं चल रहा होता है, हम कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, भारी वाली रख देते हैं। नदी भी ऐसे ही करती है, जब ढाल कम हो जाता है तो नदी की ताकत कम हो जाती है और भारी चीजें नदी वहीं छोड़ने की कोशिश करती है, तो भारी सबसे बड़े कण है, तो नदी इनिशियल स्टेज में सबसे पहले यहां पर भारी कणों को छोड़ेगी सबसे पहले। तो हिमालय के एकदम दक्षिण में सबसे पहले नदी बड़े बड़े बोल्डर से बड़े बड़े कण इस तरीके से जमा कर देगी, इस तरीके से, और इस तरीके से ये बोल्डर्स जमा करेगी इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ये इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े चट्टानी कण होते हैं कि नदी इनके नीचे छुप जाती है, इतने बड़े कण हो गए ये चट्टानों के भाग हो गए कि नदी इनके सतह से विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे प्रदेश को जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, गुलाश्म होते हैं और सतह से नदी विलुप्त हो जाती है, ऐसे प्रदेश को भाबर प्रदेश बोलते हैं। ऐसे प्रदेश को क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश बोलते हैं। ऐसे प्रदेश को भाबर प्रदेश बोलते, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे प्रदेश को भाबर प्रदेश के नाम से जानेंगे। अब नदी आगे बढ़ेगी या सतह से विलुप्त होगी, आगे बढ़ेगी तो थोड़े से महीन कण जमा करेगी, ये थोड़े छोटे हैं इसलिए नदी सतह से विलुप्त नहीं होगी, बल्कि नदी वापस सतह पर प्रकट हो जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से नदी सतह पर वापस आ जाएगी और यह क्षेत्र दलदली बन जाएगा। इस तरह के प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित प्रदेश
जहां पर महीन कण जमा करने के कारण नदी वापस सतह पर प्रकट हो गई है, ऐसे प्रदेश को तराई प्रदेश के रूप में जानते हैं। ऐसे प्रदेश को तराई प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो बाबर प्रदेश हो गया, तराई प्रदेश हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो खादर प्रदेश भी होता है, बांगर प्रदेश भी होता है। कैसे होता है सर? अब देखिए, इसके बाद नदी आगे बढ़ेगी तो और आगे बढ़ेगी तो अब और महीन कण जमा करेगी, एकदम मिट्टी सॉइल यहां पर इस रीजन के अंदर और आगे बढ़ेगी, तब और भी नदियां इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो पहले बनाया उन्होंने बाबर प्रदेश, जो कि बड़े बड़े बोल्डर्स या बड़े बड़े कणों वाला है। उससे आगे बढ़ी तो थोड़े से ग्रेवल टाइप की चीजें, बजरी टाइप की चीजें, थोड़े बड़े कण, कुछ छोटे कण, लेकिन सतह पर प्रकट हो गई नदी। ऐसे प्रदेश को तराई प्रदेश के लिए। उससे आगे बढ़ी नदी तो अब आप एकदम मिट्टी जमा कर रही है, जिस तरह की मिट्टी कृषि के लिए जरूरी है। और यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक होती है बांगर प्रकार की, एक होती है बांगर प्रकार की, और दूसरे प्रकार की मिट्टी होती है वो खादर प्रकार की। एक मिट्टी हो जाएगी हमारे पास बांगर प्रकार की, दूसरी मिट्टी हो जाएगी हमारे पास खादर प्रकार की, बांगर और खादर। अब देखो कौन सी सर बांगर होगी, कौन सी खादर होगी, देखना है। बांगर प्रकार की और खादर प्रकार की। देखो जब जैसे मान लो कि ये नदी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है मान लो नदी, यहां पर मान लो कि धीरे धीरे अवसाद जमा करते करते नदी का ये तल ऊंचा हो गया, अवसाद जमा करते करते ये तल ऊंचा हो गया, तो नदी ने एक सीधा रास्ता पकड़ लिया ऐसे, तो ये प्रदेश भी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। लेकिन अब यहां मिट्टी नदी की नहीं पहुंच पा रही है, तो ये प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, पुरानी जलोढ़ से बना है। ऐसे प्रदेश को बांगर प्रदेश कहते हैं, ऐसे प्रदेश को बांगर प्रदेश कहते हैं, ऐसे प्रदेश को बांगर प्रदेश कहते हैं। और जहां नदी आज भी ला करके जैसे इसके किनारे ये हो गए, या नदी आज भी मिट्टी जमा करती है, जहां हर वर्ष नई मिट्टी लेके आती है जिसमें बहुत प्रकार के खनिज होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी को खादर कहते हैं, ये खादर प्रदेश हो जाएगा। तो चार चीजें, चार आधार पर बांट दिया। सबसे पहले नदियां पर्वतों से नीचे उतरेगी तो बड़े बड़े बोल्डर्स जमा करेगी, उस प्रदेश को बाबर प्रदेश कहेंगे। जैसे ही वहां से उतर के नीचे आ जाएगी, महीन कण जमा करेगी, ऐसे प्रदेश को खादर प्रदेश बोलेंगे। थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो जहां पर के पहले कभी मिट्टी जमा करती थी उस प्रदेश को बांगर बोलेंगे, लेकिन जहां आज मिट्टी जमा करती है उस प्रदेश को खादर प्रदेश बोलेंगे। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रह जाएगा ना। ये चार प्रदेश हो गए मेरे हिसाब से, इतना ही था। देखो बाबर प्रदेश क्या है, समझ गए, इसे बाबर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं यानी नदियां पुनः सतह पर प्रकट होती है एवं ये क्षेत्र दलदली होता है। इस प्रदेश को तराई प्रदेश के रूप में जानते हैं, इस प्रदेश को तराई प्रदेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। बस इतनी बात है इस मैदान में दी हुई है, और कुछ है नहीं, इतनी बातें बताइए इस। बाकी नदियों के बारे में डिटेल से अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जितना इसमें दिया है उतना ही बता रहा मैं, खत्म। बांगर खातर भी नहीं दिया लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार इसमें क्या दिया हुआ देखो, देखो
ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। और एक दिख रहा है जो आपको, ये वाला, ये पठारी प्रदेश है, ये पूरा पठारी प्रदेश है, इस तरीके से आप देखोगे। और इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया बोलेंगे, इसे प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। देखो इसमें क्या है सर, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको पठारी प्रदेश बोल रहे हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में दोनों चीजें मिलेगी आपको, पठार यानी प्लेट्यूज भी मिलेंगे और मैदान यानी प्लेन भी मिलेंगे, सॉरी पठार यानी पर्वत यानी माउंटेन भी मिलेंगे, माउंटेन यानी पर्वत भी मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, इस क्षेत्र में आपको पठार भी देखने को मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे और पर्वत भी मिलेंगे, ये दोनों प्रकार की विशेषताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे इधर इसका विस्तार कहां तक है सर, यहाँ इधर इसका विस्तार अरावली तक है। देखो यहां पर अरावली है राजस्थान के अंदर, यहां इस मैदान, इस पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार अरावली तक है, अरावली तक। इस क्षेत्र में आपके बुंदेलखंड वगैरह पठार है या बागेलखंड पठार है, तो ये जो बुंदेलखंड बागेलखंड पठार है, बुंदेलखंड हो गया, बागेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बागेलखंड हो गया, इसी तरीके से यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, तो बुंदेलखंड हो गया, बागेलखंड हो गया और छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये हमारे पास अरावली क्षेत्र हो गया। ये देखो ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आपके पास में शिलोंग पठार या मेघालय वाला क्षेत्र, ये शिलोंग पठार या मेघालय वाला क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र, मेघालय पठार, ये भी इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इधर आपके पास में पूर्वी घाट हो गया, ये घाट यानी ये भी पर्वती एक तरीके से, तो इधर आपके पास पूर्वी घाट हो गया या जिसे ईस्टर्न घाट बोलेंगे, यहां तक विस्तार है पूर्वी घाट तक, घाट मतलब किस तरीके से बना अभी बताऊंगा, और ये आपके इधर पश्चिमी घाट है, इस तरफ ये पश्चिमी घाट है, घाट मतलब पर्वत, इधर आप आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। तो देखो इधर अरावली, ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार, इधर छोटा नागपुर का पठार, इधर शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, ये सब इसके हिस्से हैं। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कहां से कितना विस्तार है इसका, और ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 16 लेख स्क्वायर किलोमीटर या 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तृत है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन सा, ये पूरा क्षेत्र 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये क्षेत्र, याद रह जाएगा। ये भारत का सबसे प्राचीनतम प्राचीन प्रदेश, सबसे प्राचीन है, भारत का सबसे पुराना है, और ये हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड समझ ही रहे हैं आप, जो वेगनर ने अंतर बताया, मैंने फर्स्ट चैप्टर में सारी डिटेल से बताई, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और ये किसी टाइम पे मेडागास्कर के समीप था, किसी समय ये मेडागास्कर के समीप था,
फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का पार्ट है, ये फिर इस तरफ शिफ्ट हुआ। एक बार वापस रिवाइज करो आप, एक सेकंड माया में वापस रिवाइज करो इसको, सारी चीजों को एक बार अच्छे से। देखो बात करते हैं हम लोग, तो ये सारे क्षेत्र देखने हैं आपको कि पूर्वी घाट कौन है, पश्चिमी घाट कौन है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, बागेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये पठारी प्रदेश का विस्तार है। देखो ये बना कैसे, ये जब आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से उत्तर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ इस तरीके से जा रहा था, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा, ये टकराया, ये वाला हिस्सा ही तो टकराएगा इसका आगे वाला, किससे टकराया, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में टकराया। तो मैंने कहा था पहले इधर से एंटर हुआ था फिर इस साइड से, तो ये हिस्सा इसके नीचे जा रहा था, इधर वाला जो हिस्सा है ये इसके नीचे जा रहा था, ये वाला हिस्सा इसके नीचे जा रहा था, और इसके हिस्से के नीचे जाने के कारण से, इस हिस्से के नीचे जाने के कारण से ये जो पॉइंट है यहां पर ज्यादा दबाव बनेगा, इस क्षेत्र में ज्यादा प्रेशर बनेगा या दबाव बनेगा इस क्षेत्र में, तो यहां पर इस तरीके से ज्यादा दबाव बना, तो इस साइड से इस रीजन में यहां अंदर जाएगा तो यहां पीछे टेंशन पैदा होगा, इस रीजन में तनाव पैदा होगा, क्योंकि कितनी देर यह प्रेशर झेलेगा, और फाइनली यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा, टूट करके ये नीचे गिर गया, इस तरफ झुक गया है, इस तरफ झुक गया, इस तरह से गिर गया, तो ये भाग ऊपर उठ गया, यहां से टूट जाएगा, इस तरफ झुक जाएगा, तो ये ऊपर उठ गया, और इसका कुछ हिस्सा इधर, इसका कुछ हिस्सा इधर जो है, ये हिस्सा इसका नीचे दब गया, ये वाला हिस्सा है यहां, कुछ हिस्सा इसके नीचे दब गया, ये टूट करके नीचे गिर गया, और ये इधर झुक गया, यानी ये देखो इस तरीके से कोई चीज नीचे जा रही है इसे, तो यहां प्रेशर पड़ा, तो ऐसे ऐसे प्रेशर पड़ा तो ये टूट गया, जैसे ये हिस्सा टूट गया, और तो ये इस तरीके से झुक गया, तो ये ऊंचा हो गया इधर वाला, तो अब प्रायद्वीपीय भारत का ढलान आपको ऐसे दिखेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ इधर दिखेगा, और लेकिन यहां पर आपको पश्चिमी घाट जो है वो यहां से उठा हुआ दिखेगा और यहां से टूटा हुआ दिखेगा, तो यहां पर आपको अचानक ढलान दिखेगी इस रीजन के अंदर, ये जो है ना आपको इस रीजन के अंदर ढलान दिखेगी, ये जो रीजन है ये वाला, इस क्षेत्र में बहुत ढलान दिखेगी आप यहां पर काफी, तो पश्चिमी घाट काफी ऊंचा हो गया है कंपेरेटिवली इस पूर्वी घाट की, ये पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट जो है ऊंचा हो गया, ये जो है ये ऊंचा हो गया, ये पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है, ये नीचा है और ये कंपेरेटिवली इसके कंपेरिजन में ऊंचा है, उठा हुआ है, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है कंपेरेटिवली पूर्वी घाट की, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही है। अब ये देखो इस तरफ हो गया तो सारी नदियां करीब करीब इधर ही आती है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दे तो करीब करीब नदियां इस साइड में आकर के गिर रही, इसका कारण ये कि इस तरफ झुकाव, इसका इस तरफ डलान है, तो ये जो पश्चिमी घाट से भी जो नदियां निकलती है वो भी इस साइड में पूर्व में आकर के जाती है, इस साइड में आके गिरती है, उसका कारण ये कि इस तरीके से डलाव होना और इस भाग का नीचे जाना, ये हिस्सा नीचे दबा, ये हिस्सा नीचे दबा, इसलिए ये पीछे वाला हिस्सा टूट के गिर गया, इसलिए इसे कगार भूमि या स्कार्पलैंड बोलते हैं, कगार भूमि या स्कार्पलैंड बोलते हैं, इसे कगार भूमि के रूप में हम जानते हैं, इस तरीके से ये पूरा
बना हुआ है। तो पश्चिमी घाट ऊंचा है, इसीलिए ऊंचा होने के कारण ही यहाँ पर जैसे मानसून वगैरह आता है, तो ये पहाड़ियाँ ऊंची होने के कारण से ही यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, ऊंचा होने के कारण ही। जैसे ये ऊंचा है तो इसी कारण से यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। यहाँ से नदियों का उद्गम भी बहुत सारों का होता है, जाके इधर गिरेगी। लेकिन ये ऊंचा है इसलिए आपको यहाँ पर पासेस देखने पड़ेंगे, दर्रे मिलेंगे, क्योंकि ऊंचा है तो पार करने के लिए कुछ दर्रे बने होंगे। तो थार घाट, घोर घाट, पाल घाट, पासेस दिखेंगे आपको। दर्रे मतलब जहाँ से पास, मतलब जहाँ से पास हो सके, ट्रेन निकल सके, बस निकल सके, आदमी निकल सके, ऐसे पासेस बने हैं पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में नदियों ने इतना काट छाट कर रखी है, बहुत सारी नदियाँ हैं तो धीरे धीरे इरोड कर देगी, तो ये वैसे भी रेगुलर नहीं मिलता है। ये पूर्वी भाग जो है, पूर्वी पर्वत है, घाट है, ये काफ़ी कटाफटा मिलता है, तो इतनी सारी नदियाँ इसको इरोड कर देगी। पश्चिमी घाट है वो कटाफटा नहीं है, एकदम रेगुलर मिलता है, इसलिए पश्चिमी घाट के दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पासेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो भी देखेंगे अपन लोग इस तरीके से। और जैसे ये घाट है ना, इस घाट के किसके, किस घाट के, पूर्वी घाट के, इस पूर्वी, ये जो पूर्वी घाट है हमारा, इस पूर्वी घाट देखो ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत सारी नदियां आ रही है यहाँ पे, ये ऊंचा नहीं है और बहुत सारी नदियां यहां पर आ रही है, तो यहां पर बहुत सारी नदियां अवसाद लाके जमा करेगी, सेडिमेंट्स लेकर के जमा करेगी, और इस प्रकार से यहाँ पर तटीय मैदान का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तटीय मैदान का निर्माण हो जाएगा, या आपके पास कोस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोस्ट या तटीय मैदान का निर्माण हो जाएगा। इस क्षेत्र में एक मैदान बन जाएगा जिसका नाम है कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान, यहाँ पर एक प्लेन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान का विकास होगा इस तरीके से। ये प्लेन बन गया आपके, जो कि काफी चौड़ा होगा, इधर भी तटीय मैदान बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन संकरा होगा। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद बहुत ज्यादा नहीं, इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इसका जो इधर मैदान बनेगा ना, तटीय मैदान, कोस्टल एरियाज में बन रहे इसलिए तटीय मैदान बोलेंगे इसको, तो ये बहुत चौड़ा नहीं होगा, वो संकरा होगा, क्योंकि नदियां कम है यहाँ पर, उनका सेडिमेंट्स कम जमा हो रहा है, तो ये संकरा है, ये पतला या संकरा होगा, और इधर जो मैदान है ये चौड़ा होगा, इधर जो मैदान है चौड़ा, इधर मैदान है ये संकरा, इधर संकरा और इधर मैदान चौड़ा होगा, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत पक्का नहीं ना, कोई डाउट नहीं है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है मेघालय का पठार, शिलोंग पठार, ये सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, नहीं है ना, चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग, क्या कह रहा है, यहीं से शुरू हुआ ना डायग्राम, इससे पहले, हाँ ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, मतलब कि इस तरीके से उठा हुआ भाग है प्रायद्वीपीय पठार, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। देखो आग्नेय मैंने बताया था कि बसाल्ट चट्टानों से बना है, बसाल्ट चट्टानों से बना है, जिनसे काली मृदा का निर्माण होता है, ये पता है ना, बताया मैंने बहुत बार, ये बसाल्ट चट्टाने जो है इन्हीं का टेम्परेचर ज्यादा लगने के कारण और इन्हीं पर ज्यादा प्रेशर लगने के कारण, यानी तापमान और दाब ज्यादा लगने के कारण से, टेम्परेचर ज्यादा लगने और प्रेशर ज्यादा लगने के कारण से ये रूपांतरित चट्टाने हो गई है, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो गया, या मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई है, रूपांतरित चट्टाने बन गई है यहां पर, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई, ध्यान रखिएगा, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो गया बसाल्ट चट्टानों के कारण, ठीक है, बठा बसाल्ट क्या, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से, तो इस तरह की चट्टाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, बिल्कुल है कि टूटने और दक्षिण उत्तर की तरफ अपवाहित होने के कारण से बना है, और ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है, बिल्कुल है, सारी चीजें समझा दी मैंने आपको। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियों का गोलाकार पहाड़ियां, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इस पठार के दो मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि है और एक दक्कन का पठार है, बताता हूं देखो कैसे,
यहाँ से मिटा दूँ ना इसको, मेरे हिसाब से समझ ही गए हैं चीज़ें आप। देखो ये आपके पास में केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में जानते हैं इसको, ये केंद्रीय उच्च भूमि कहलाएगी, ये केंद्रीय उच्च भूमि कहलाएगी, ये आपके पास केंद्रीय उच्च भूमि कहलाएगी। और इसके दक्षिण में जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन के पठार के रूप में जानते हैं, दक्कन का पठार, जिसका विस्तार आप देखोगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश के साथ थोड़ा बहुत हिस्सा तेलंगाना में भी, इन प्रदेशों के अंदर इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है दक्कन का पठार, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। ये हो गई हमारे पास केंद्रीय उच्च भूमि और ये हो गया हमारे पास दक्कन का पठार, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है। तो देखो ये मध्य उच्च भूमि हो गया और ये दक्कन का पठार हो गया। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, दक्कन का पठार ट्राइंगुलर शेप में, मैंने अभी बताया, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल है, अभी बताऊंगा नर्मदा कहाँ है। उत्तर में इसके चौड़े आधार और सतपुड़ास की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी स्थान, अभी बताता देखो कैसा। देखो काम यहां पर हर चीज आपको एक्चुअली डायग्राम से समझनी पड़ती ना। देखो यहां पर आपको कौन कौन सी बातें करी उसने वो सारी बता देता हूं आपको। देखो यहां पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, जैसे यहां पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, यहां से नहीं, यहां से नहीं, गुजरात से शुरू हो जाता है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। और ये जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला और जो ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कौन अलग करता है, तो दिमाग में बिठा के रखना है सर, विंध्यन पर्वत श्रृंखला करती है, यानी विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करेगी, विंध्यन पर्वत श्रृंखला याद रखना है। इसके बाद देखो ये इसी की कैमूर पहाड़ियां वगैरह इसी का यहां पर विस्तार है। इस साइड में यदि देखोगे तो आपको यहां जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा हो गई, विंध्यन के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन के दक्षिण में सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा ही है, ये राजपीपला, महादेव और मेकाल पर्वत श्रेणियों के नाम से जानते हैं, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। गुजरात में राजपीपला कहते हैं, गुजरात में इसे राजपीपला कहते हैं, इसी को सतपुड़ा को ही, ये राजपीपला हो गया। बीच वाला महादेव हो गया मध्य प्रदेश में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और ये यहाँ की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर मेकाल पर्वत श्रेणी है, मेकाल पर्वत श्रेणी है। ये मेकाल, ये आपके पास एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो ध्यान रखना है आपको, एमपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर इस तरीके से बनी हुई है। और इसके इधर नर्मदा और इसके विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के बीच में इसी से एक नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है, और ये मेकाल पर्वत श्रेणी के ही एक भाग है जिसका नाम है अमरकंटक, उसके अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलती है। अगला चैप्टर इसी बारे में, इस अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा इधर बहती है, सभी नदियां इधर बहती है जबकि नर्मदा इधर बह रही है, इसका मतलब है कि ये घाटी में बहती है। यहां पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के बीच में बरंस घाटी बन गई, रिफ्ट वैली, जिसके कारण से इसका प्रवाह इधर है। दूसरी यहां पर एक नदी बन गई जिसका नाम है तापी नदी या ताप्ती नदी,
तापी रिवर या ताप्ती नदी, तापी रिवर या ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मिलेगी आपको, तापी रिवर या ताप्ती नदी इस साइड में आकर के गिरेगी ताप्ती नदी और नर्मदा भी दोनों। ये ब्रंस घाटियों में बहने के कारण से, रिफ्ट वैली में बहने के कारण से पश्चिम की तरफ जाती है। यहाँ पर ये जो नदियां इधर आती है तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ये नदियां एस्चुरीज बनाती है। अगले चैप्टर में बताऊंगा कि क्या होता है एस्चुरीज, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरीज बनाती है। इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र हो गया हमारे पास, किस किस तरीके से फैला है, कहां तक है, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये आपने देख ली। तो हर चीज होती है उसको एक्चुअली मैप में देखना पड़ता है। तो ये बता ही दिया मैंने कि इसका विस्तार कहां से कहां है। तो जबकि महाद्वीप, कैमूर की पहाड़ियां, मेकाल इसके पूर्वी विस्तार है, देख लिया आपने। दक्षिणी भारत का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम में ऊंचा है क्यों, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से ये इस तरीके से टूट करके नीचे की तरफ चला गया, ये इस तरीके से हो गया। तो ये ढाल इस तरीके से दबने के कारण से इस तरीके से, तो पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व में नीचा है, और इसी तरीके से नदियां उसका अनुसरण करती है। इस पठार का पूर्वी भाग जो है मेघालय का, मेघालय बताया था मैंने, शिलोंग का पठार है ना, या कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं इसको, कार्बी एंगलोंग पठार भी कहते हैं। उत्तर कछार पठार ये असम के अंदर है, थोड़ा सा ऊपर जो हमने मेघालय शिलोंग का पठार देखा था स्टार्टिंग में, उसके ऊपर असम के अंदर है। और यहां पर तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो है, खासी है और जयंतिया है, ये भी अब आपको समझाना पड़ेगा। देखो इस शिलोंग के पठार में ये सब चीजें हैं, देखो देखो यहां पर आप देखोगे तो गारो इस शिलोंग पठार वाले क्षेत्र में, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जाना गारो, खासी और जयंतिया, यहां तीन पर्वत श्रृंखला है सीरीज में। सबसे पहले गारो है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया है। सबसे पहले गारो है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंती है, यानी गारो, खासी और जयंतिया, ये हमारे पास तीन पर्वत श्रृंखलाएं, गारो हो गई, खासी हो गई और जयंतिया हो गई। गारो, खासी और जयंतिया, इनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई खासी पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंची है, और सर्वाधिक ऊंची होगी तो पर्वत के मानसून के टकराने से वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी। तो इसी के क्षेत्र में मोसिनराम भी है, इसी के क्षेत्र में मोसिनराम है, सर्वाधिक ऊंची है, तो सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है। इस तरीके से इसमें यहां पर न केवल गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, बल्कि गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, और ये जनजातियां यहां पर झूमिंग कृषि करती हैं, यहां पर झूमिंग कृषि करती हैं, या झूम कृषि करती हैं, झूमिंग कृषि या झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब होता है बदल बदल कर कृषि, बदल बदल कर कृषि, यानी जगह को बदल बदल करके। एक जगह जंगल है, मान लो कि ये पूरा जंगल है, एक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कटाव करा, जलाया उस जंगल को, वहां पर कृषि करी, कुछ समय कृषि करने के बाद ये मैदान अनुपजाऊ हो जाता है, तो फिर ये कहीं और चले जाते हैं, वहां के मैदान को जला, वहां के जंगल को जलाते हैं, काटते हैं, साफ करते हैं, कृषि करते हैं, कुछ समय कृषि करने के बाद ये भी अनुपजाऊ होता है, तो किसी और क्षेत्र में जाके करते हैं। इसे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है और पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न होता है, लेकिन ये गारो, खासी, जयंतिया क्षेत्र में झूमिंग कृषि होती है, ध्यान रखना, इसे जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये गारो, खासी, जयंतिया की बात थी, वो समझा दिया मैंने आपको कहां से कहा। तो गारो, खासी और जयंतिया ये भी मेघालय पठार का भाग है। अब देखो दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी घाट है, बताया मैंने कि ये नीचा है, ये थोड़ा अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला है, सारा चीजें समझाइए मैंने आपको, कम ऊंचाई वाला है, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाला है, कगार भूमि बोलते हैं, क्यों है मैंने बताया,
ऐसे दबा तो इस तरफ से झुक गया, तो ये ऊंचा हो गया, ये नीचे हो गया, और ये यहां पर ढलान भी ज्यादा दिखेगी क्योंकि ये टूट के गिर गया, अधिक ऊंचाई वाला है। ये कटा फटा है, ये कटा फटा है, ये कटा फटा है, ये आपको रेगुलर मिलेगा यानी सतत मिलेगा, कटा फटा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, बिल्कुल है, कोस्टल एरियाज में, और वो सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा यानी पासेस के द्वारा ही पार कर सकते हैं, जैसे थाल घाट हो गया, बोहर घाट हो गया और पाल घाट हो गया। स्थिति ज्ञात करें, मैं बताता हूं फिर स्थिति। देखो ताल घाट, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट कैसे है सर? ये देखो, ऐसे देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये पूरा है ना, इसमें यह मुंबई है, यहां पर मुंबई है, इस रीजन में नासिक है, याद रखना नासिक है, इस रीजन में पुणे, ये मुंबई है यहां पे, यहां नासिक है और यहां पुणे है, और ये आपके पास में इस तरीके से पश्चिमी घाट है। तो अब यदि मुंबई से नासिक जाना है तो आपको एक पासेज से गुजरना पड़ेगा, दर्रे से, इस तरीके से एक दर्रा है। यदि आपको मुंबई से पुणे जाना है तो भी एक दर्रा है, पास है। तो कौन सा पास है सर? देख ये जो यहां पर पास है मुंबई और नासिक के बीच में, ये दर्रा, इसका नाम है थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट। और एक आपके पास मुंबई और पुणे के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच है ये, इसका नाम है भोर घाट, भोर घाट। तो मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट। इस थाल घाट से नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है। अब ये नेशनल हाईवे वगैरह बाद में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, और मुंबई और पुणे के बीच से नेशनल हाईवे नंबर 4 गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 4 गुजरता है। यहां से नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है, जबकि यहां से नेशनल हाईवे नंबर 4 गुजरता है, याद रखना है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद देखो यहां पर एक आपके पास नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियां होगी, नीलगिरी की पहाड़ियां यहां पर, और इसके दक्षिण में अन्नामलई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलई की पहाड़ियां जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियां, अन्नामलई हिल्स है, ये अन्नामलई हिल्स है, इनके बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। तो ये दर्रों की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो क्षेत्र है ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि सतत है, कटा फटा नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात या नहीं? थाल घाट, मुंबई नासिक नेशनल हाईवे नंबर 3, बोहर घाट, मुंबई पुणे नेशनल हाईवे नंबर 4, पाल घाट नेशनल हाईवे नंबर 47, ये देखो मुंबई और कोची और कोयम्बटूर को जोड़ेगा, और इसके जस्ट नीचे शेनकोटा दर्रा भी है, जैसे अन्नामलई की पहाड़ियां हैं उसके नीचे कार्डेमम हिल्स है, उनके बीच में शेनकोटा दर्रा है, शेनकोटा दर्रा है, नेशनल हाईवे नंबर 49, तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना हो तो ये है। इस तरीके से ये दर्रे हैं पश्चिमी घाट। देखो ये दिखाया हुआ, ये थाल घाट, ये आपके पास यहाँ मुंबई, यहाँ आपके पास मुंबई हो जाएगी, यहां पर मुंबई हो जाएगी ये, और यहां पर आपके नासिक हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ा दूर है लेकिन दिखाने के लिए, नासिक हो जाएगा, ये मुंबई हो गई, यहां पुणे हो जाएगा, दूर है, इतना दूर नहीं है वो, लेकिन मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, पुणे हो जाएगा। यहां देखो नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में और यहां अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा होगा, यहां अन्नामलई पहाड़ियां और यहां पर कार्डेमम हिल्स के बीच में शेनकोटा दर्रा होगा, ठीक है ना, याद रखना इसे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, बता ही दिया था मैंने,
पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई के तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी पूर्वी घाट नीचा है जबकि पश्चिमी घाट ऊंचा है। क्यों ऊंचा है मैंने बता दिया था कि इस तरीके से झुका हुआ है उसका। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। बिल्कुल है, अभी बताऊंगा आपको। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है यानी कटा फटा है, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ठीक है भाई, बताई दिया ये बात है। सिर्फ एक बात कहाँ से विस्तार है वो बताना है। देखो ये नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। सर नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विश्व एक भारत का सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, भारत का सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, यहाँ पर है। ठीक है, और इस नीलगिरी के यदि आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां इस क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में महानदी है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में यहां महानदी है। इस महानदी वाले क्षेत्र से लेकर के ये नीलगिरी पहाड़ियों का क्षेत्र है, इस तरीके से नीलगिरी पहाड़ियों का जो क्षेत्र है इनके बीच में पूर्वी घाट का विस्तार है, इस तरीके से पूर्वी घाट का विस्तार है। इधर आप देखोगे तो यहां तापी नदी से लेकर के, ताप्ती नदी से लेकर के एकदम नीचे यहां तक जाओगे आप, एकदम साउथ में जो आपके कार्डेमम हिल्स वगैरह है वहां तक है, ये वहां तक है। इस पूर्वी घाट में उड़ीसा वाले क्षेत्र में महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी दो तीन है लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, ये महेंद्रगिरी है और एनसीईआरटी के हिसाब से महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो महेंद्रगिरी सब सर्वाधिक ऊंची चोटी है पूर्वी घाट में, सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट में जो आपने देखा था कि यहां पर अन्नामलई हिल्स है, अन्नामलई हिल्स है या अन्नामलई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलई हिल्स या अन्नामलई की पहाड़ियां हैं, ये जो अन्नामलई हिल्स या अन्नामलई की पहाड़ियां हैं इन्हीं की ऊंची चोटी है अनाई मुडी, अनाई मुडी। और ये अनाई मुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, 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 जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक ऊंची, सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय भारत की भी, प्रायद्वीपीय भारत की भी, प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे याद रखना है। पेनिनसुलर इंडिया की भी हाईएस्ट पीक के अंदर आता है। और ये ऊंचा होने के कारण से मैंने कहा था ना कि इधर से जैसे मानसून आएगा, जैसे इधर से मानसून आएगा तो यहां पर इस ऊंची पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद काफी वर्षा करता है, और इसके दक्षिणी भाग में तो 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होने के कारण ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैव विविधता की दृष्टि से। इसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है ये अपन ये कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है, हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है, कई प्रकार की कृषि कार्य के लिए भी जाना जाता है। तो ये दोनों घाटों के बारे में जो यहाँ दिया था बात हो गई। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, बिल्कुल पर्वतों के सहारे हवा ऊपर उठेगी तो वर्षा करेगी, ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। बिल्कुल आर्द्र हवा से, आर्द्र हवा के टकराने से, के टकराकर ऊपर उठने से होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न नामों से जानते हैं, पश्चिमी घाट की जैसे उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, नीचे से दक्षिण, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ती है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए क्यों, क्योंकि दक्षिण में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है उत्तर में कम है, तो ये समझ लो कि इसके प्लेट के नीचे जा रहा है, तो दो सांड लड़ रहे हो मान लो, तो आगे वाला हिस्सा नीचे पीछे वाला ऊपर, इसी तरीके से ऐसे आगे से नीचा हो जाएगा पीछे से ऊंचा हो जाएगा, तो दक्षिणी भाग उठा हुआ दिखेगा, उत्तरी भाग नीचे दबा हुआ दिखेगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है,
ठीक है, पूर्वी घाट का देख लिया था। इस बाग के ऊंचे, पूर्वी घाट नहीं पश्चिमी घाट के ऊंचे, पूर्वी घाट भी ठीक था, पश्चिमी घाट ये तो पूर्वी घाट से ठीक है, और इस पश्चिमी घाट के शिखर हैं ये पश्चिमी घाट के शिखर हैं, दो बातें मिक्स हो गई, पश्चिमी घाट के शिखर हैं, पश्चिमी घाट के शिखर अन्नामुड़ी सबसे ऊंचा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। 2695 क्यों याद आ रहा मेरे को, 2695। और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये नीलगिरी हिल्स की सर्वाधिक ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, मैंने बता ही दिया आपको। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में शेवराई जावादी, देखो ये जैसे आपके पास किस तरीके से है ना, तो ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेगी, पालनी हो गई, शेवराई हो गई, जावादी हो गई, तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलेगी आपको, पूर्वी घाट के अंदर ही, पूर्वी घाट में ही। तो ये पालनी जो है पश्चिमी घाट में, शेवराई और जावादी। इसी तरीके से पूर्वी घाट में ऊपर चले जाओगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, वहां पर पालीकोंडा, वेलीकोंडा, नल्ला मल्ला, हर्रा मल्ला, वेलीकोंडा, इस तरह की पहाड़ियां मिलेंगी आपको, तो ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये आपके पास नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में उडक मंडलम में, जिसे उट्टी के नाम से जानते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र में जो एक तरीके से महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, मतलब कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से। ये बातें तो विशेषताएं थी। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, ये ज्वालामुखी से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये आग्नेय से है, बसाल्ट चट्टानों से बनी है। बसाल्ट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, इग्निशियस रॉक्स है, जिसका निर्माण आग से हुआ है, आग से मतलब मैग्मा का उद्गार हुआ है, उससे हुआ है। वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, यानी इरोजन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है या ब्लैक सोइल बनी है, काली मृदा या ब्लैक सोइल का निर्माण, ध्यान रखना इसका। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, ये बता ही दिया था कि जैसे मान लो कि ये प्रायद्वीपीय भारत है या राजस्थान है, तो अरावली को तो आप जानते ही हो राजस्थान वाले, तो यहाँ अरावली है। अरावली एक देखा जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, याद रखें, प्री कैम्ब्रियन काल, याद रह जाएगा, काफी पुराना है ये, और ये खुद भी मोड़दार पर्वत है। पिछले चैप्टर में समझाया कि मोड़दार पर्वत क्या है, कल वाले लेक्चर में फोल्डेड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, फोल्डेड के साथ ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का विभाग, अवशिष्ट का मतलब हो गया रेसिडुअल, मतलब ये कि जिसका बहुत ज्यादा इरोजन हुआ हो, जिसका बहुत ज्यादा अपरदन हुआ, जिसका बहुत ज्यादा कटाव हुआ, उसके नाम से जानते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में भी इसे जानते हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ी है, बहुत ही ज्यादा कटी फटी पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में 80% तक, 592 किलोमीटर अप्रोक्स। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल, यही भारतीय मरुस्थल की बात कर रहे हैं। देखो ये जो अरावली के पश्चिम में, जैसे इस तरीके से आई, तो ये अरावली हो गई, यहाँ इस अरावली के पश्चिम वाले भाग में डेजर्ट है, ये थार का मरुस्थल है, इस थार का मरुस्थल जो है ये टेथिस सागर का भाग है, और इसका भी निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही हुआ है, नदियों के द्वारा इसका भी निर्माण, लेकिन यहाँ पर वनस्पति वगैरह कम मिलेगी, वनस्पति कम है, लेकिन विश्व के आधार पर देखा जाए, वर्ल्ड के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मैदान है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला मैदान है ये, जैव विविधता के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक,
बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, जैव विविधता वाले मैदान के रूप में जानते हैं इसे विश्व के। और एक इसके पश्चिमी भाग में जो है यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है उस मिट्टी का नाम है सोइल, जो यहाँ पर मिलती है वो सोइल है शुष्क मृदा। ये सर शुष्क मृदा क्यों है या ड्राई सोइल क्यों है सर? ये ड्राई सोइल या शुष्क मृदा इसलिए है कि इसके कण बड़े बड़े हैं, इसके बड़े बड़े कण होते हैं, तो जैसे ही पानी जाता है ये अब्सॉर्ब कम करती है और अंतः स्पंदन ज्यादा होता है, यानी ये उसका अवशोषण कम करती है, ये उसका अवशोषण यानी अब्सॉर्प्शन कम करती है, जबकि इनफिल्ट्रेशन यानी इसका अंतः स्पंदन या इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इसका इनफिल्ट्रेशन या अंतः स्पंदन अधिक होता है, जबकि इसके कारण से जैसे ही पानी इसमें गिरा, जैसे बारिश हुई आज, कल तक ये सूख जाएगा, इसलिए हमेशा इस क्षेत्र को पानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इनफिल्ट्रेट ज्यादा होगा, अंतः स्पंदन ज्यादा हो रहा है, अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, अवशोषण इसका कम हो रहा है, ये ध्यान देना है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इस कारण से ये मृदा शुष्क मृदा है, जो कि मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इस तरह की फसलें होती है जो कि कम पानी में हो सकती है, शुष्क जलवायु में हो सकती है, कम उपजाऊ मिट्टी के अंदर उत्पादित हो सकती है, इस तरह की। यहां पर यदि देखोगे तो जैसलमेर वगैरह वाला जो रीजन है या पश्चिमी भाग, यहाँ 10 से 15 सेंटीमीटर भी वर्षा होती है, मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से 150 हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि बहुत कम है इस क्षेत्र में, इसलिए ये मरुस्थल है और इसका लगातार विस्तार हो रहा है, ये गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा पंजाब में भी है, लगातार इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन अरावली पर्वतमाला इसके विस्तार को रोके हुए, इसको आगे फैलने दे नहीं रही है, समझ गए। यहाँ पर इस मैदान में शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र भी हैं और इस क्षेत्र में वनस्पति भी या वेजिटेशन भी बहुत कम मिलता है, इस क्षेत्र में वनस्पति या वेजिटेशन भी आपको कम ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है भारतीय मरुस्थल में, बहुत कम, जैसे यहाँ की नदियां जो है मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, और सबसे बड़ी नदी यहां पर देख लोगे तो एक तरीके से लूनी नदी है, लेकिन अरावली से निकलती है ये, लेकिन अरावली की ऊंचाई ज्यादा नहीं होने के कारण ये नदी अपने मार्ग में ही विलुप्त हो जाती है और अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, और कच्छ की पहाड़ी, कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, कच्छ की खाड़ी क्या, रन ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी नहीं, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, खाड़ी में पहुंच गई तो बात ही अलग, कच्छ का रन है उसमें विलुप्त हो जाती है गुजरात वाले क्षेत्र में, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, और भी नदियां हैं, सूखड़ी, बांडी और जोजड़ी, मीछड़ी, लीलड़ी, बहुत नदियां हैं, लेकिन लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, और ये भी लूनी इसलिए बोलते हैं कि लून, नमक, नमक के कारण से, जब ये नदी इनिशियल स्टेज में अरावली से निकलती है तब मिट्टी होती है, लेकिन आगे चल करके ये नदी खारी हो जाती है। यदि आप राजस्थान पढ़े हुए तो आपको उम्मीद होगी कि थोड़ा ज़्यादा बताऊँ, लेकिन ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में तो जितना दिया है उतना ही बता, ये बरकान नहीं होता, बरखान होता है, ये बरखान, यहाँ पर यानी बहुत सारे सैंड ड्यून्स मिलेंगे, बहुत सारे मिट्टी के टीले मिलेंगे, रेगिस्तान में यदि मिट्टी के टीले नहीं मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, तो रेगिस्तान में इस तरह के सैंड ड्यून्स वगैरह मिलेंगे, या इसके स्तूप मिलेंगे, कई प्रकार के स्तूप मिलते हैं यहाँ पर, बरखान मिलेंगे, अनुदेर्दे मिलते हैं, अनुप्रस्थ मिलते हैं, तारानुमा मिलते हैं, बहुत प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन बरखान की बात करिए तो बरखान जो होते हैं ना सैंड ड्यून्स, वो इस तरीके से कुछ बनते हैं, जैसे किस तरीके से बनते हैं सर मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि इधर से हवा आ रही है, इस तरीके से ये विकसित हो गए अर्धचंद्राकार, इस तरीके से, जिनके ये देखो ये जो भाग है ये संकरे है, स्ट्रिंग या सींग है ये पतले हैं और ये बीच में मोटा है, इस तरीके से बनते हैं, इसको बरखान बोलते हैं, और इस तरीके ये जो होते हैं बहुत तेजी से विस्तार होता है इनका, यानी तेजी से ये अपना विस्तार करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचेंगे और जहां भी पहुंचेंगे वहां की मिट्टी को अनुपजाऊ बना देंगे, वहां की मिट्टी को अनुपजाऊ बना देंगे, यानी नॉन फर्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे, तो
अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबोत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर मिलेंगे। लंबोत टीले इस तरीके से उठे हुए बहुत सारे टील होते हैं, लेकिन इतना ही बताऊंगा। ये भारतीय मरुस्थल है, यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की, पेयजल की। पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो जमीन में पानी है वो एक तरीके से खारा है, खारा है। और जो नहरें वगैरह झीलें वगैरह यहाँ पर कम है। अभी इसके लिए एक वरदान के रूप में है IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, जो पश्चिमी राजस्थान को सिंचित कर रही है। ये व्यास और सतलज नदी के संगम से निकलती है, व्यास तथा सतलज नदी के संगम से, व्यास तथा सतलज नदी के संगम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला है तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। ये जो कोस्टल प्लेन है ना, इस कोस्टल प्लेन का आपको दिखेगा ये कि ये जैसे ये पश्चिमी घाट हो गया, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं, सह्याद्री के रूप में जानते हैं, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये हो गया हमारे पास पूर्वी घाट। तो यहां से लेकर के यहां तक ये विस्तृत है, पश्चिमी घाट यहां तक, ऐसे मत रखिएगा, सही नहीं है बात, ऐसे रखो, ऐसे इसका विस्तार है, ऐसे ठीक है। तो देखो, ये जो पश्चिमी तट है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र और गोवा वाला तक क्षेत्र है, इस पश्चिमी तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं सर? इसको जानते हैं कोंकण तट के नाम से, या कोंकण कोस्ट, इंग्लिश में भी कोंकण ही बोलेगा इसको, कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, या कोंकण तट के रूप में जानते हैं, कोंकण कोस्ट या कोंकण तट के रूप में। इसके दक्षिण में कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो इसे जानेंगे कन्नड़ तट के रूप में, और इसके एकदम दक्षिण में आ जाओगे कि या केंद्रा तट के रूप में, दक्षिण में आ जाओगे तो इसे जानेंगे मालाबार, जो केरल वाला भाग है इसे जानेंगे मालाबार तट के रूप में, मालाबार तट के रूप में। तो कोंकण तट हो गया ये महाराष्ट्र वाला रीजन मेनली, कर्नाटक वाला रीजन मेनली कन्नड़ तट हो गया, और इसके दक्षिण में ये आपके पास मालाबार तट हो गया। अब ये जो पूर्व या ईस्ट के अंदर है, ये पूर्व के अंदर दिखेगा आपको भाग, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये कुछ थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला और मेनली तमिलनाडु वाला, ये पूर्वी भाग में तट है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, इसको कोरोमंडल तट के रूप में जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के रूप में, इसे कोरोमंडल कोस्ट के रूप में जानते हैं, कोरोमंडल तट के रूप में। इसके बाद यहां पर आ जाओगे तो ये आंध्रा तट के रूप में, आंध्र प्रदेश वाला तट आंध्रा तट, यहां पर ऊपर आ जाओगे तो आपके पास में उत्कल तट के रूप में, नॉर्दर्न सरकार उत्कल तट, ऐसा इस तरीके से उत्कल तट हो गया आपके पास, आंध्रा तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, इधर मालाबार तट हो गया, कन्नड़ तट हो गया, और कोंकण कोस्ट हो गया। तो पश्चिमी घाट बन गया, पश्चिमी तट बन गया कोंकण तट में, कन्नड़ तट में, और मालाबार तट में, पूर्वी तट बन गया कोरोमंडल तट में, आंध्रा तट में, और ये उत्कल तट में। ये जो पूर्वी तट है ये चौड़ा है, अभी पहले ही समझाया मैंने आपको, ये अपेक्षाकृत चौड़ा है। सर क्यों चौड़ा है, क्यों चौड़ा है सर? ये इसलिए कि यहाँ पर नदियाँ आती है बहुत सारी, बहुत सारी नदियाँ आती हैं यहाँ आके गिरेगी, और नदियाँ यहाँ पर स्लॉप बहुत ज़्यादा नहीं है, नदियों का स्लॉप्स कम है यहाँ, और कम स्लॉप होने के कारण से, यहाँ पर स्लॉप कम होने के कारण से यहाँ पर नदियाँ बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद जमा करती है, अवसाद जमा करती है और डेल्टा का निर्माण करती है, इस कारण से यहाँ पर मैदान चौड़ा हो गया है। ये जो कोरोमंडल वाला तट है यहाँ पर नदियाँ अवसाद जमा कर रही है, तो जलोढ़ मिट्टी भी मिलेगी आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा भी मिलेगी। तो कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में अच्छी खासी चावल की खेती होती है, कोरोमंडल तट जो है, इस कोरोमंडल वाले तट में, इस कोरोमंडल तट के अंदर जल आपके जो खेती होती है वो चावल की होती है, और अच्छी खासी कृषि होती है, इस कारण से इसे धान, दक्षिणी भारत का धान का कटोरा कहते हैं, दक्षिणी भारत का
धान का कटोरा बोलते हैं, दक्षिणी भारत का धान का कटोरा बोलते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी चावल की कृषि होती है, ध्यान रखना है, धान के कटोरे के रूप में जानते हैं। यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है, इस कोरोमंडल तट पर गर्मियों में नहीं होती क्योंकि मानसून इसके पैरेलल निकल जाता है, तो यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा, सर्दियों में यहाँ पर बारिश होगी, शीत ऋतु में वर्षा होगी, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है ये पश्चिमी चौड़ा है ही, कटाफटा है ही और कृषि के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी जो है ना ये घाट है, घाट दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो नीचा होता जाएगा, और ये मैदान जो है ना ये संकरा है, तीनों ही मैदान संकरे हैं, और मैदानों के संकरे होने का कारण मैंने आपको बताया था कि ये मैदान संकरे क्यों है, जिसका कारण मैंने आपको बताया था, उसका कारण ये है कि नदियाँ यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दो तीन नदियाँ हैं जो कि नर्मदा ताप्ती आकर गिरती तो है लेकिन वो एश्यूरीज बनाती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान नहीं है, लेकिन यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण से वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा 400 सेंटीमीटर फिर ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण से या ज़्यादातर वर्षा इस क्षेत्र में होने के कारण से ये जो प्रदेश है ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ये क्षेत्र जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कोंकण कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ये बात समझ में आएगी नहीं है, आंध्रा तक हो गया, समझ में आई ना। अब देखो यहां तक क्लियर है आपको, तटीय मैदान समझ गए, तो देखो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, ये पश्चिम में अरब सागर से होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, मैंने बताया कि किस तरीके से है, यहां से लेकर के ऐसे विस्तृत है, तो यहां अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट जो अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, इस मैदान के तीन भाग हैं जो मैंने बताया, कोंकण कोस्ट कन्नड़ तट, उत्तरी भाग को कोंकण कोस्ट कहते हैं जो मुंबई और गोवा वाला है, मध्य भाग को कन्नड़ तट बोलते हैं या कन्नड़ मैदान बोलते हैं, और दक्षिण भाग को मालाबार तट बोलते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, और इसे भी कोरोमंडल तट नीचे आंध्रा तट और उसके रूप में उत्कल तट के रूप में जानते हैं। उड़ीसा के अंदर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जैसे आपके पास में ये मालूम की बात, तो यहाँ पर ये उड़ीसा है, इस उड़ीसा क्षेत्र में यहाँ पर एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम चिल्का झील है, और ये लेगून झील का भी एग्जाम्पल है। सर लेगून क्या होता है? लेगून झील का भी एग्जाम्पल है। सर लेगून क्या होता है? तो ये यदि जैसे तट है, इसको समुद्र के कारण से कई बार कटाव होता है, और यहाँ पर कटाव होकर के यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, फिर किसी कारण से प्रवाल वगैरह के कारण से किसी कारण से ये समुद्र से भाग अलग हो गया और यहाँ पर झील का निर्माण हो गया, तो यहाँ पर उस तरह की झील को लेगून झील बोलते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी ये खारे पानी की झील भी है, खारे पानी की झील भी है जो इस रीजन में स्थित है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार है, उत्कल तट है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, बताया ना मैंने। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, महानदी है उड़ीसा वाले क्षेत्र में, नीचे आ जाओगे तो आंध्रा वाले क्षेत्र में गोदावरी है, आंध्रा वाले क्षेत्र में कृष्णा है, फिर नीचे आ जाओगे तो कावेरी नदी है, इस तरह की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इन्हें गोदावरी कृष्णा और कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, लेकिन आके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कारण है कि ढाल इसका ऐसा है, तो इनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट से होता है, लेकिन गिरती ये पूर्वी, महानदी का उद्गम ये दंडकारण्य पठार या बस्तर के पठार से होता है, दंडकारण्य पठार से, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार से इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, ये जो कि मैंने आपको बताई दी, ये तटीय मैदान है। अभी आइलैंड्स के बारे में बात है, द्वीप समूहों की बात हो रही है, आइलैंड्स के बारे में बात है।
श्रीलंका यहाँ पर है, लेकिन हमारे आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार यहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा आइलैंड है, लगभग 560 पौने 600 के आसपास, 576 या 78 ऐसे कुछ नंबर है यहाँ पर है। अंडमान निकोबार, उत्तर वाला अंडमान, दक्षिण वाला निकोबार। इसका जो निर्माण है अंडमान और निकोबार का, इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर परवाल नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे बहुत गहराई में जैसे पर्वतीय भाग है और इस पर्वतों की चोटी के रूप में ये ऊपर निकल गए समुद्री। भारत में ये इस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए बाउंड्री की तरह काम करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर भारत का अधिकार है। बहुत प्रकार की जनजातियां वगैरह पाई जाती हैं यहाँ पर, बहुत सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पर। और ये क्षेत्र अभी उतना आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या भी कम है। यहाँ पर देखो तो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप जो है ना ये परवाल द्वीप है। ये क्या द्वीप है सर? परवाल द्वीप है। सर ये परवाल क्या होते हैं? ये कोरल होते हैं। सर कोरल क्या होते हैं? ये मूंगे होते हैं। मूंगे क्या होते हैं सर? ये पॉलिप होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ये जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं सर? ये अत्यधिक संवेदनशील जीव होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील जीव होते हैं सर, बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं सर? ये लवणता के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये तापमान के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को लेकर के संवेदनशील होते हैं, ये औषधि जल, गंदे जल को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, ये ऑक्सीजन को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, सभी चीज़ों को लेकर के संवेदनशील होते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा लवणता है तो भी मर जाएंगे, एक लिमिट से ज़्यादा तापमान है तो भी मर जाएंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होगा तो भी मर जाएंगे, अवसाद युक्त यानी आपके मिट्टी, ये गंदा पानी यदि इनके मुंह में चला गया तो भी मर जाएंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी मर जाएंगे, बहुत संवेदनशील है। निश्चित तापमान, निश्चित लवणता, निश्चित सूर्य का तापमान, स्वच्छ पानी, नमकीन वाला ही होना चाहिए लेकिन खारा, वो उस तरीके के अवसाद यानी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये पर जो है खारा पानी, इसलिए कि ये कोई भी जैसे तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर प्रवाल विकसित हुए हैं, ये तटीय क्षेत्रों के अंदर प्रवाल विकसित हुए, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, ये अपने चारों तरफ एक खोल बनाते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल। ये अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं और इस खोल के लिए इनको नमक वाला पानी या नमकीन पानी या सॉल्टी वाटर चाहिए, इनको नमकीन वाला पानी चाहिए। ये यहाँ पर एक पादप भी रहते हैं, थोड़ा सा बताया हूँ, बताई देता हूँ, जुजेनथेली, जुजेनथेली जो कि एक तरीके से सेवाल है, और ये इनको जो है O2 ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और खाना उपलब्ध कराते हैं, जबकि ये इनको आवास और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराता है। इस तरीके मूंगों से ये बना हुआ है, लगभग 36 आइलैंड दिखेंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर, नंबर पे कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे ध्यान में आ जाता है तो बता देते हैं। तो ये देख, ये लगभग इतने प्रवाल से बना है, यहाँ पर अटोल टाइप की प्रवाल भित्ति मिलती है, अटोल प्रकार की। अटोल का क्या मतलब हुआ सर? घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्ति, इस तरह की प्रवाल भित्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी, घोड़े के नाल की आकार की, इस तरीके से बना हुआ है। इसके दक्षिण में इधर आप देखोगे तो मालद्वीप स्थित है, जो कि हमारा एक तरीके से समुद्री क्षेत्र के अंदर या सागरीय पड़ोसी है। ये श्रीलंका हो ही गया, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है ही, और ये पाक जो स्ट्रेट है उससे जुड़ा हुआ है, तो अंडमान निकोबार, और ये याद रखना है आपको लक्षद्वीप। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति याद कीजिए, मैंने बता ही दिया। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, बताया मैंने कि प्रवाल क्या होते हैं। इनको लकाद्वीप के नाम से पहले, मिनिकोई के नाम से पहले, अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया, लक्षद्वीप रखा गया। और ये 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित क्षेत्र है। ये एक द्वीप है, इस तरीके से एक आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ इस तरीके से पानी होता है, उसे आइलैंड या द्वीप बोलते हैं। कवारत्ती द्वीप, क्वारत्ती जो है ये इस द्वीप या लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी कह लो, कैपिटल है इसकी, याद रखना कैपिटल। इस द्वीप पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, यानी ये जैव विविधता की दृष्टि से, ये जैव विविधता की दृष्टि से या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। ठीक है,
अब हमारे पास हो गया अंडमान निकोबार, बड़ी संख्या में बहुल बिखरे हुए द्वीप हैं, इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और ये जनसंख्या भी यहाँ पर वो जनजातियाँ बहुत रहती है, और ये द्वीप भी एक तरीके से जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ये भी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और भारत में जो चार हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुडालैंड, तो ये सुडालैंड का भाग है, ये भारत का सुडालैंड का भाग है, जो कि मलाया प्रायद्वीप यानी मलेशिया वाला रीजन और ये इसके अंदर आते हैं। ये द्वीप मुख्यतः दो भागों में बंटा है, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। बिल्कुल है, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित यानी मतलब एक तरीके से सब अब ये सबमर्ज हो गए यानी पानी के अंदर नीचे चले गए, उन पर्वत श्रेणियों के अंदर है, और उसके ऊपर ये कुछ भाग बचे हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। मैंने कहा ना, ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से, और अलग अलग प्रकार के पादप समुदाय और जंतु समुदाय देखने को मिलते हैं। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी देखो विषुवत रेखा के आसपास होंगे ना वहाँ ज्यादा संभावना होती है, जैसे 0 डिग्री से थोड़ी दूर है। जैसे इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इनकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो जाती है, तो ये इस विषुवत रेखा के आसपास हुए, तो यहाँ की जलवायु भी कैसी होगी, विषुवत रेखीय जलवायु होगी। और यदि विषुवत रेखीय जलवायु होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर यानी तापमान अधिक होगा, तापमान भी ज्यादा होता है, वर्षा भी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ जीव जंतु भी ज्यादा होते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा होती है, इसी कारण से यहाँ जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, घने जंगलों से अच्छा दिखता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। याद रखना है, बेरन द्वीप जो है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी याद रखिएगा, रह जाएगा। अब देखो प्रवाल के बारे में यहाँ डिटेल से बताया, देख लेते हैं एक बार। ये पॉलिप होते हैं यानी मैंने कहा कि मूंगे होते हैं, ये मूंगे होते हैं जो कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। मैंने कहा ना, ये जैसे मान लो कि कोस्ट है, यहाँ पर डेवलप हो गए मूंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाएंगे, इसके बाद यदि ये मर जाएगा तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा आ जाएगा, इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपकते रहते हैं, और धीरे 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 ये दीवार बना लेते हैं, जिसे हम रीफ के रूप में जानते हैं, इसे हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं, प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं, ठीक है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है यानी CaCO3। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती है, जमा होती जाती है, इनके अस्थि पंजर यहां पर जमा होते रहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं प्रवाल रोधी का, देखो तीन प्रकार के हैं, देखो एक तो ये है इसके पास, इसे बोलेंगे बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ। सर बैरियर रीफ का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये तटीय क्षेत्र है, तो इस तटीय क्षेत्र से थोड़ा सा इस तरीके से दूरी पर तट के समानांतर इस तरीके से कोई प्रवाल भित्ति विकसित हो गई, प्रवाल भित्ति विकसित हो गई तट के समानांतर इस तरीके से कोई हो गई, तो इसे तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में जाने, सॉरी अवरोधक प्रवाल भित्ति के रूप में जाने। इसी तरीके से इस तट के सारे मान लो कि इस तरीके से कोई प्रवाल विकसित होते हैं इस तरीके से, तो इसे तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति। भारत में इसी प्रकार की प्रवाल भित्ति ज्यादा मिलती है, तटीय प्रकार की। इसी तरीके से जैसे हमारे लक्षद्वीप वाला रीजन है, यहां पर कोई प्रवाल भित्ति इस तरीके से घोड़े की नाल के आकार में विकसित होती है, उस प्रकार की प्रवाल भित्ति को अटोल टाइप की प्रवाल भित्ति बोलते हैं, अटोल, जो कि हमारा लक्षद्वीप बना है घोड़े की नाल में। तो तटीय प्रवाल भित्ति बताई दिया, तट के सारे किस तरीके से विकसित होती है, भारत में सर्वाधिक तटीय प्रवाल भित्ति ही मिलती है। प्रवाल वाले द्वीप ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, ये और प्रवाल विले द्वीप हो गया, आपको बताया मैंने, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। अभी इसको
ज्यादा नुकसान हो रहा है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या ओर्शु आकार के होते हैं, तो मैंने बोला ना वलय द्वीप घोड़ों के नाल के आकार के होते हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक होते हैं, यानी एक तरीके से जुड़े हुए हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिलता है। पठीय पठारी भाग जो है, देखो जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए वहाँ पर वन मिलेंगे, जैव विविधता मिलेगी। मैदानी प्रदेश हो गए तो वहाँ पर अन्न के भंडार मिलेंगे बहुत सारे हमारे के, जैसे हम ये कह सके कृषि का उत्पादन, फसलों का उत्पादन होगा, कृषि कार्य होगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी महत्ता खनिजों के भंडार के रूप में, बहुत प्रकार के धात्विक हो रहे धात्विक खनिज यहाँ से मिलते हैं, तो एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इनकी भौतिक विशेषता अलग भी मिलती है, जिससे देश की औद्योगिक जो क्रियाकलाप है इसी पर डिपेंड है और औद्योगिक गतिविधियाँ चलती है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन के लिए यानी मछली पालन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पोत संबंधी क्रिया यानी नावें वगैरह के लिए उपयुक्त होते हैं, परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इन सब के लिए होते हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करेगी। तो ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर अपन अफवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा इतनी चीज़ें 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, इसलिए आपको 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर है जो अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे अफवाह तंत्र, ठीक है ना, अफवाह तंत्र पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आप जो है वो मैं नेक्स्ट मंथ से यानी 2-3 तारीख से, लगभग 3 तारीख से एथिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, लगभग सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में 65 नंबर का आता है, और यदि आप इसे अच्छे से पढ़ें तो नंबर आ सकते हैं। इसके लिए आपको डेमो वगैरह की कोई ज़रूरत है तो यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अच्छे से देखिए आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आए तब आप एनरोल कर सकते हैं। यदि आपको 1 ईयर के लिए एनरोलमेंट लेना है तो 6,300 है, यदि आपको 2 ईयर्स के लिए एनरोल लेना है तो चार्जेस 7,560 है। 1 ईयर के लिए 6,300, 2 ईयर के लिए 7,560, ये बहुत ही कम चार्जेस हैं। और टोलिया 10 कोड यूज़ करिएगा, 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरा मार्गदर्शन, मेरा गाइडेंस, आपको संडे का टेस्ट जो राइटिंग के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, नोट्स मटेरियल सब चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। तो यूज़ माई कोड टोलिया 10। 8744035689 जो है ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपको कोई दिक्कत हो तो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।